कोई भाई इस जैसे कटड़े को मतलब गांव में छोड़ने के लिए लेना चाहे जी जी, और मार्केट रेट के भाव से 20,000 रुपए कम दे दूंगा। अच्छा, मार्केट रेट से 20,000 कम, 20,000 रुपए कम दे दूंगा। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे अच्छे पशुओं की वीडियोज़ लेके आते हैं। आज की वीडियो फिर से काफ़ी हम कहेंगे सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा, इस 2020 में सबसे ज़्यादा मुर्रा हीफर बेचने वाले हम पशुपालक कह सकते हैं। एक से एक शानदार टॉप क्वालिटी की जो हीफर हैं वो हमारे अदर स्टेट बायर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम किशन जी के यहाँ से लेके आ रहे हैं, किशन जी जो गांव निमोट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ, क्योंकि 2021 की पहली शुरुआत है ये वीडियो की और इन्हीं के घर से फिर से एक शानदार जो मुर्रा हीफर की वीडियो हम लेके आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज किशन जी कितनी कटड़ियां हैं अपने पास? सर आज 4 कटड़ी और 1 कटड़ा है। 1 कटड़ा? हाँ जी। तो वैसे YouTube के माध्यम से तकरीबन मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई अभी तक आपने कर दी। हाँ जी, कर दी। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे आपने हीफर नहीं भेजी हूँ? नहीं बच रही जी कोई भी। तो पहले नंबर वाली कटड़ी के बारे में बताएं जी डिटेल। पहले नंबर वाली कटड़ी जी खीरी है जी जी, और 6 महीने की प्रेग्नेंट है जी जी, 6 महीने की होली है। अच्छा, खीरी है और 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इसकी माँ का दूध कितना है? इसकी माँ का दूध 21 लीटर है जी। 21 लीटर। और ये सीमन की है या वैसे? सीमन जी पंचायती बुल से है जी। पंचायती बुल से। एक बार खोलना इसको। 6 महीने की प्रेग्नेंट और खीरी कटड़ी, हाइट और लेंथ की बात करें तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, बिल्कुल छोटे सींग की लंबाई ऊंचाई काफी ज्यादा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की जो कटड़ियां हैं वही लेके आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर मुर्रा हीफर्स की डिमांड है, क्योंकि जो पशुपालक हैं वो इतनी पेमेंट जो बड़ी भैंसें हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इस करके हीफर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल शो क्वालिटी की छोटे सींग की, क्योंकि किसी भी जो मुर्रा नस्ल की कटड़ी है उसकी सींग या जो थनों की स्पेसिंग के हिसाब से हम अनुमान कर सकते हैं काफ़ी अच्छे जो दूध वाली भैंस की कटड़ी है और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की, एक हिसाब से हम बोले तो कंपटीशन लेवल की कटड़ी है। नीचे से टैल तकरीबन इसकी 2 से 2.5 इंच वाइट है, बाकी बाल की लंबाई है ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटे हेड की लंबी गर्दन। बांध लो जी, एक बार इसकी जो थनों की क्वालिटी है वो भी दिखाना चाहेंगे। 6 महीने यानी 4 महीने के बाद किसी भी जो पशुपालक इसको खरीदेगा उसके पास एक अच्छी जोटी पहले दांत की, अभी खीरी है उस टाइम तक क्या पता ये दांत करे ना करे, लेकिन वैसे कटड़ी में आज कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। ये देखिए एक बार आपको दिखाना चाहेंगे जो थनों की क्वालिटी है, बिल्कुल तो काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की कटड़ी। आगे दूसरे नंबर वाली जी, इसकी उम्र जी 14 महीने है। 14 महीने? हाँ जी। और इसकी माँ का दूध कितना है जी? माँ का दूध जी 18 लीटर। 18 लीटर जी। और ये सीमन की है या वैसे? ये M29 सीमन से है जी। M29 की कटड़ी, ये देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी की है। इसका भी सींग आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा बनेगा, काफ़ी कम एज है, ऊंचाई लंबाई इसकी भी काफ़ी अच्छी है, और एक हिसाब से देखें तो इस कटड़ी में जितने भी शारीरिक जो बनावट है, जो छटाव हैं इसके बॉडी के, काफ़ी शानदार। नीचे से टेल थोड़ी बहुत वाइट है, बाकी इसकी एक बार खोल लो, ऊँचाई लंबाई इसकी भी काफ़ी अच्छी है। M29 का काफ़ी टाइम पहले क्रेज आया था, तकरीबन 1 साल पहले हर पशुपालक की डिमांड थी कि M29 की कटड़ी हम लेके अपना जो सीमन लगा के अपने घर पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ इस इलाके में आपको काफ़ी ज़्यादा M29 की कटड़ियाँ वैसे मिल जाएंगी। और किसी भी साधारण किसान से कटड़ी खरीदना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया के जरिए जो रुझान है उसके कारण कटड़ियां कम ही सेल करते हैं, बाकी अच्छी खासी पेमेंट भर के कटड़ियां ले रहे हैं। ये देखिए जो थनों की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी बनेगी, नीचे से टेल 2 इंच वाइट है, ऊंचाई लंबाई की बात फिर से कहना चाहूँगा एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए जो फेस वैल्यू कटड़ी की काफ़ी अच्छी है। इस कटड़ी के बारे में बताएं जी एक बार। इस कटड़ी की जी उम्र 17 महीने है जी। 17 महीने। इसकी माँ ने 18 लीटर दूध दिया है जी। 18 लीटर दूध। ये सीमन की है? HLDB सीमन से है जी। HLDB के सीमन की, थोड़ी कमजोर जरूर है लेकिन ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग है, ऊंचाई लंबाई इसकी भी काफी अच्छी है। अब की बार कटड़ियाँ
काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लेके आए, क्योंकि खरीद में कोई पशु थोड़ा बहुत कमज़ोर, क्योंकि अलग पशुपालक के पास केयर अलग अलग तरीके से दाने की व्यवस्था हर एक की एक जैसी नहीं होती। तो वैसे एक कारण और भी होता है जी, क्या पता ये जमींदार है ना, ये पशु को छाया में बांध देते हैं, दिक्कत आती है जी। अच्छी अच्छी कटड़ियाँ ही ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी एक पहचान बनाई है, अच्छी मुर्रा अवेलेबल करवा के। तो ये वाली जी, ये कटड़ी आज, ये कटड़ी है जी ढाई साल की, ढाई साल अभी दांत तोड़ लिया इसको। अच्छा, दो दांत नहीं निकाले हैं, दो दांत कर चुके हैं, तोड़े तोड़े हैं। हाँ, तोड़े तोड़े हैं जी। जी जी, और पूरे नहीं किए अभी से। अच्छा अच्छा, दो महीने की प्रेग्नेंट हो लीजिए है, दो महीने की अभी। चेक पास है जी, चेक करवा दिए कल। अच्छा, कोई भाई ले तो गारंटीड है इस चीज की कि गबन है, बिल्कुल करवा सकता नहीं, हमें करवा रखी है डॉक्टर से। जी जी, एक बार खोल लो। हाँ हाँ, इसकी माँ का रिकॉर्ड है जी 20 लीटर, 20 लीटर दूध इसकी माँ ने, इनकी जरूर है, लेकिन इसकी माँ का रिकॉर्ड दूध का बड़ा अच्छा है जी। जी जी, तो देखिए जो गबन की बात कही इन्होंने, ले आओ उस चीज़ की। कृष्ण जी की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी इन्होंने पशु भेजे हैं, जहाँ भी भेजे हैं, सभी बायर्स हैं वो संतुष्ट हैं। किसी तरह की कोई अगर शिकायत होती है तो ये उसको दूर करने का भी काम करते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि एक पशुपालक के लिए जो सोशल मीडिया पे पशु बेचने वाले के लिए सबसे बड़ी अड़चन यही होती है। तो देखिए ये कटड़ी 2 महीने की प्रेग्नेंट गारंटी के साथ बता रहे हैं। एक बार मैं इसकी जो थनों की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा नज़दीक से, ये देखिए थन बिल्कुल मुठिया आकार के थन बनेंगे, क्योंकि जो पशु अच्छी केयर कर रखी हो, कई बारी ज़्यादा भारीपन के कारण भी पशुओं की वो क्वालिटी नहीं दिख पाती। सर्दी का टाइम है, वीडियो में भी हम अच्छी तरह दिखाने का प्रयास करते हैं। 20 किलो दूध आगे, एक जो हर बार मैं वीडियो में एक चीज़ ऐड करता था, लेकिन अब की बार ये लेके आए हैं एक मुर्रा नस्ल का जो बुल पशुपालक जो बाहर इतनी कटड़ियाँ लेके जा रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे बहुत एक ज़रूरी चीज़। तो एक बार इसके बारे में और बताएं जी। इसकी जी उम्र है 22 महीने जी, ये 23 जनवरी को 2 साल का होगा जी। अच्छा, अभी 23 जनवरी को आगे ओरिजिनल। हाँ, 23 महीने हो गए जिसको, 23 महीने। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी माँ का दूध, माँ का दूध जी 20 लीटर, 18 किलो कांटे का तोल का जी, 20 लीटर, मतलब कई बार नापा एक बार भी नहीं। जी जी, और ये वैसे सीमन का है या कैसे? सीमन का है जी। कौन से सीमन का है? सुल्तान से जी। सुल्तान से, ओरिजिनल, इस चीज की गारंटी है जी। अच्छा अच्छा, एक बार खोलना इसको। किसी भी पशुपालक के लिए अगर हरियाणा से मुर्रा हिफर लेके जा रहे हैं, या वैसे हमारे जो पंचायतें हैं जो पहले, जो आज ये मुर्रा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो पंचायतें होती हैं उन्हीं की देन थी, क्योंकि गांव में सांड छोड़े जाते थे और वहां से जो ग्रामीणों की जो भैंसें थी वो प्रेग्नेंट होती थी। किसी तरह का कोई ये नहीं था कि गबन नहीं है, खाली रह जाएगी, या कुछ भी समस्याएं ऐसी नहीं आती थी रिपीटर वगैरह की। तो काफ़ी जो 2 साल का अभी 23 जनवरी को होगा, और हाइट और लेंथ काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 5 फीट से ऊंची हाइट है कटड़े की, और बिल्कुल जेड ब्लैक कलर। ये देखिए जो चेस्ट की चौड़ाई, किसी भी बुल के लिए जो चीज़ मेन मैटर करती है वो सभी चीज़ें इस कटड़े के अंदर हैं। और माँ का दूध 18 किलो कांटे के तोल का और लीटर का 20, क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है मैन की, कांटे और लीटर में तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, काफ़ी बार नहीं भी होता, क्योंकि वो पशुपालक की चुआई पे डिपेंड है। ये देखिए जो बुल बिल्कुल शानदार, किसी तरह की सींग के साथ छेड़छाड़ नहीं, जो कुदरती सींग है इसका, नहीं तो काफ़ी भाई जो सींग बनवाते हैं तब भी आपको इस क्वालिटी का सींग नहीं मिलेगा। तो टेल है वो बिल्कुल ब्लैक, हम कहें तो सुपर मुर्रा इसको हम बोल सकते हैं। साथ में जो हमारी पंचायत है उनसे भी मैं एक स्पेशली एक डिमांड करता हूं कि अपने गांव में एक बुल ज़रूर छोड़ें, क्योंकि हर कोई अगर गांव में अगर वैसे केयर नहीं करते तो सरपंच है जो गांव के वो सभी सक्षम है इस चीज़ में, एक बुल की केयर अच्छी तरह कर सकते हैं। और गाँव में आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी जो दूध की भैंसें, क्योंकि एक किसान की आय को बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। आज सीमन के जरिए जो पशु प्रेग्नेंट हो रहे हैं, काफ़ी कंसीव नहीं करते, तो वो एक किसान को घाटा है। तो ये हम कहेंगे सुपर मुर्रा बुल कोई भी। जी, एक बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। अगर कोई भाई इस जैसे कटड़े को मतलब गांव में छोड़ने के लिए लेना चाहे, जी जी, और मार्केट रेट के भाव से 20,000 रुपए कम दे दूंगा। अच्छा, मार्केट रेट से 20,000 कम दे दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा अच्छी नस्ल सुधरे, अच्छा बुल है,
अच्छी कटिया हूँ। बिल्कुल, ये आज जो सीमन के दौर के कारण ही जो पशु हैं वो महंगे हुए हैं। YouTube ने महंगे नहीं किए, काफी भाई बोलते हैं YouTube ने पशु महंगे किए, तो ये सीमन के कारण हुए। जो सीमन को भैंस कंसीव नहीं करती, किसी भी चीज की अगर मार्केट में कमी आएगी तो उसकी पेमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो बुल काफी अच्छी हाइट लेंथ का, 5 फीट से ऊंची हाइट है, काफी चौड़े पीठ पुट्ठे का। और हम जो बुल रखने वाले भाई हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कोई माइनस पॉइंट अगर इसमें दिखाई दे रहा हो। तो कोई भाई जो बड़ा डेयरी फार्म करना चाहता है तो सक्सेस का सबसे पहला कारण हम यही बताते हैं कि एक बुल ज़रूर होना चाहिए अपने फार्म पे, ताकि जो अच्छी खासी लागत लगा के आज भैंसे लेके जा रहे हैं वो टाइम पर प्रेगनेंट हों, बच्चा दें और अच्छी खासी दूध की जो रिकॉर्ड है वो अगर रिकॉर्डेड दूध निकालते हैं तो एक किसान की आय ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो एक बार मैं किशन जी का नंबर फिर से जानना चाहूंगा, एक बार नंबर बताइए। 81680 95195। इनका जो संपर्क सूत्र है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इन मुर्रा हिपर्स के बारे में किसी भी तरह की डिटेल के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।